तो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आदि और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑडा सिटी के मदद से आप बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि कल एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि भाई तुम अपने ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइज जो होता है उसको कैसे रिमूव करते हो, तो वैसे तो आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे अपने पीसी के लिए और काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। लेकिन हम आपको इसमें जो है सो सॉफ्टवेयर में बताने वाले हैं जिसका नाम है ऑडा सिटी और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। गूगल पे जाने के बाद आप ऑडा सिटी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप फ्री में सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो का बैकग्राउंड नॉइज को भी रिमूव कर सकते हैं और साथ में अगर कोई सॉन्ग है तो उसमें जो सिंगर का वॉइस होता है वो वॉइस को रिमूव करके वहाँ पे अपना वॉइस भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल का आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल पाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो भी सॉन्ग जो हम रिकॉर्ड किए हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो DSLR से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम अपने पीछे लैपटॉप के ऑडा सिटी से रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यहाँ पे अभी इसका माइक लगा हुआ है। ये माइक का वायर जो होता है वो ऑडा सिटी के सॉफ्टवेयर से यानी कि लैपटॉप से कनेक्ट है और ऑडा सिटी से रिकॉर्ड हो रहा है और जब हम वीडियो को पॉज करेंगे वीडियो को ख़त्म करेंगे तो उसमें ऑडा सिटी में जो है सो हम बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर लेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में सनसनाहट का आवाज़ रहता है। जैसे कि अगर हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप गौर से सुनिएगा तो थोड़ा थोड़ा सा सनसनाहट का आवाज़ हो जाता है, तो आप इसे चाहते हैं तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं पीसी के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे रिमूव करना है। तो गाइज आपको करना क्या है कि आप जो है सो अपने ऑडा सिटी को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऊपर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, पॉज करना है, स्टॉप करना है, वो सब कुछ ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ऑडियो है इस ऑडियो के बीच में जो है सो कहीं कहीं रुका हुआ है और ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है ये सब ऑडियो है जो मेरा वॉइस है। अब इसमें हमको जो है सो ये ढूंढना है कि कहाँ पे हम जो है सो बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हम सिलेक्ट किया है इसके अंदर हम कुछ नहीं बोले हुए हैं तो ये मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ है, यानी कि इतना के अंदर हम कुछ नहीं बोले हुए तो ये सनसनाहट है। तो इसको सेलेक्ट करके हम कर लेंगे। इफेक्ट में जाने के बाद नॉइज रिडक्शन में हम जाएंगे और गेट नॉइज प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा और कुछ है तो यहाँ पे देखकर आप अपने ठीक कर लीजिएगा। रिड्यूस पे क्लिक करने के बाद गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है ताकि ये नॉइज जो है सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको नॉइज रिडक्शन में जाना है और आपको ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे अप्लाइंग जो है सो नॉइज रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका नॉइज़ में क्या होगा कि जितना भी बैकग्राउंड नॉइज़ होगा जो भी हम सेलेक्ट करके बताए हैं इसको कि ये सब नॉइज़ सारे ऑडियो में रिमूव करने के लिए, वो सारे रिमूव हो जाएगा और आपको एक क्लियर ऑडियो मिलेगा। उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लाइनिंग था वो पूरा लाइनिंग जो है सो प्लेन हो चुका है, यानी कि जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ था वो हट चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो जो है सो दिखने में एकदम फ्रेश लगता है। उसके बाद फाइल पे क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना इम्पोर्ट को जो भी नाम देना होगा वो नाम देने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और ये फाइल को अपने लैपटॉप के अंदर जो है सो सेव कर लेना है। तो गाइस जैसे कि आप देख लिए कि बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे रिमूव करना है, बहुत इजी स्टेप है। तो अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जिससे मैं पता चले कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कौन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।